माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में लग चुका है, कई क्षेत्र फ्री नहीं हुआ, उसमें कम से कम शिक्षा के मंदिर तो उसे अछूते थे, और रीट आरपीएससी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जहां से सारे देश भर में इन दोनों संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा थी कि कभी भी ईमानदारी से काम होता है, लेकिन पिछले 4.5 साल में कांग्रेस सरकार में जिस तरह से दोनों डिपार्टमेंट को कलंकित करने का प्रयास किया है, मैं समझता हूँ उसके आधार पर आज राजस्थान के 60-70 लाख नौजवान बड़े परेशान हैं, और उनको कोई आशा नहीं है कि कहीं सही नियुक्ति भी होगी। जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक, लगभग 18 पेपर आज लीक हो चुके हैं, और उस लीक के जो जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार दावे के साथ कह सकता हूं कि रीट की परीक्षा में जो यहां का अध्यक्ष थे जारोली जी, जिसने कहा संदेह के तार ऊपर हैं, ये राजीव स्टडी सर्कल के लोग जिनके द्वारा ये परीक्षा के पेपर आउट हुए, आज तक उनको कोई सजा नहीं। जब जयपुर से हटाया तो हुआ, बाबूलाल कटारा का केस सामने है, और जब इन युवाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा कल अजमेर में प्रदर्शन करता है तो अंग्रेजों की याद आ जाती है, यानी अपनी मांगों के लिए शांतिपूर्वक आवाज उठाता है, लेकिन उस पर मरमम लाठी चार्ज हुआ है, जिससे कई लोगों सर फूटे, कई लोगों लाठियां लगी, यहां तक कि पुलिस वहां पे देखती रही, लाठियां मारती रही, वो बेचारे शांतिपूर्वक थे, नियत से थे, लेकिन उन पर भी अपने बात को कहने का हक नहीं मिला। इस प्रकार की बर्बरता युवा स्थान नहीं करेंगे, हम भी नहीं करेंगे। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिनके आरपीएससी में भ्रष्टाचार के नाम आए, इस आरपीएससी को भंग किया जाए, और साथ में यूपीएससी की तर्ज पर इसकी नियुक्तियां हो, और ताकि परीक्षाएं अच्छी तरह से हो सके, युवा का विश्वास जीत सके, आज लोगों को नौकरियां मिल सके, यानी इस प्रकार के वातावरण से आज पूरा रोष है, हमको रोष भी व्यक्त नहीं करने दोगे, हमारी सुनवाई भी नहीं करोगे, पैसा का पैसा लूटते जाओगे, एसी भी कह रही है, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आज ये सोचित है और मुख्यमंत्री का पूरा है। मैं आपसे मांग कहता हूँ कि सरकार इनको सचेत हो, और इन नियुक्तियों को युवाओं के साथ न्याय हो। अध्यक्ष महोदय, इस राजस्थान में दो मुद्दे बहस के लायक नहीं रहे, एक तो सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार, और एक हर परीक्षा का लीक होता प्रश्न पत्र। गोपाल मीणा जी, गलत जगह बाप जगह बैठो प्लीज। सभापति महोदय, देश की तीन ख्यातिमान एजेंसियों ने दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2022 तक सर्वे किया, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने किया, ट्रस्ट रिस्क जोखिम ने किया, इंडियन करप्शन सर्वे किया, इन तीनों में आया 66%, 66% और 69% के राजस्थान में सरकार से कोई काम पड़े बिना रिश्वत लिए नहीं होता, और ये 18 महीने में सभा अध्यक्ष महोदय 18 पेपर लीक हो जाए, 14 परीक्षाएं रद्द हो जाए, इनमें 1,30,00,000 अभ्यर्थी इन प्रतियोगिता परीक्षा में बैठे, 400 करोड़ रुपए उन्होंने फीस के दिए, और उनके अरमान टूट गए, उनका गुस्सा कल आरपीएससी के सामने आया। ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री ये पहली बार हुआ, शासन सचिवालयों में फाइल की जगह पर नोट और सोना मिले, और उसमें भी एक ज्वाइंट डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करके हम भूल जाएं। जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जल जीवन मिशन में भारत सरकार के फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ठेका ले लिया जाए गणपति ट्यूल्स और शाम का, और अध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस वीक सरकार में पेपर जो लीक हो रहे हैं, ये वीक सरकार में इस पेपर लीक के कारण मंदरपुरा नोहर का वो कन्हैयालाल पारिक सेकंड ग्रेड का पेपर लीक होता है, पिता को चिट्ठी लिखता है, पिताजी फिर पेपर लीक हो गया, मैं आपके अरमानों को पूरा नहीं कर पा रहा, आप अनाज मंडी के अंदर बोरी उठा के मुझे पढ़ा रहे हैं, कोचिंग दिला रहे हैं, मैं मेरे जीवन को खत्म कर रहा हूं। ये कहानी है कि कन्हैयालाल की नहीं, ये पहली बार हुआ अध्यक्ष महोदय किसी संवैधानिक संस्था का सरकार द्वारा नामजद मेंबर गिरफ्तार हो जाए, और उसके बाद मेंबर सब इंस्पेक्टर की परीक्षाएं कराए, परीक्षाओं का झंझट निकल जाए, कोई असर नहीं रहे, और अब मैं नाम नहीं लूंगा, पर ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में जो चांदी का चरखा चलाकर जो सोने के तार निकाल रहे थे, उनके तार कहां मुड़ जाते हैं, मैं वो एफआईआर लेकर आया हूं सभा अध्यक्ष महोदय, उस एफआईआर नंबर 19/1/2003 में नाम लिखा है 25 लाख रुपए एडवांस लूंगा, मंजू शर्मा का नाम अंकित होता है, मैं वो चैट्स लेकर आया हूं, जो चैट्स उस आरपीएससी के सदस्यों के साथ, उस परिवादी और परिवादी के साथ है, ये क्या हो रहा है, ये खुले बाजार के अंदर नौकरियां बिक रही है 18.5 लाख में बिक रही है सभापति महोदय, और ये यही नहीं, ये कहते हैं अब तो सभापति महोदय अध्यक्ष महोदय हद तब हो गई, जब कहा कल उच्च न्यायालय नोटिस देता है, आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओ और आरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए, और एसीबी के प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं, और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कल डिटेल की जांच होनी है, ये क्या माजरा है, कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए, आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो, ये गोपाल केसावत कौन है, ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है, हमारी हिम्मत मानो,
पर उनकी तो मानो पायलट साहब के, जिन्होंने अपने पैरों की छालों की कसम खाकर कहा था आरपीएससी भंग होनी चाहिए। इसलिए मैं और मेरा दल इस आरपीएससी ने अब तक जो परीक्षाएं ली है इन सब की सीबीआई से जांच हो। आरपीएससी के मेंबरों के तार कहां से कहां तक जुड़े हुए हैं, ये पूरे तार एक दामन दागदार है। इस दागदार दामन के कारण से हमारी मांग है, हम अरमान लुटने नहीं देंगे नौजवानों को। अब नहीं सहेगा राजस्थान और ये जो कुछ हुआ है, ये गोपाल केसावत ने जिस प्रकार आपने जुडिशियल सर्विस के अंदर किया, जब सहन नहीं किया जाएगा। राजस्थान का नौजवान न्याय मांग रहा है, पेपर लीक पर न्याय मांग रहा है। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।